সপ্তম পে কমিশন নিয়ে বলতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার কর্মচারীরা ভয়ে চতুর্থ পে কমিশন নিয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু বিজেপিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে মোদি সরকার সপ্তম পে কমিশন দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের, ব্যবসায়ীদের ও অন্যান্যদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান করবেন। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक लाल झंडा हो और अगर उस कारखाने में अगर मजदूर को रुपया थोड़ा कम मिलता है, 2-5 रुपया भी, तो उस पूरे कारखाने को ताला लगा देते, हड़ताल कर देते, जीना मुश्किल करते। आप मुझे बताइए, क्या त्रिपुरा में मिनिमम वेजेस मिलते हैं? देशवासी, ये त्रिपुरा में कांग्रेस 25 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के नागरिकों के एक भी मान्य अधिकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और बाकी देश में बड़ी बड़ी क्या है, आप मुझे बताइए, महंगाई बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? महंगाई के हिसाब से ये जो हमारे सरकारी मुलाजिम है उनको तनख्वाह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आईएएस को मिले, आईपीएस को मिले, क्योंकि वो भारत सरकार की योजना में आता है, लेकिन क्या कारण है कि त्रिपुरा में पैदा हुआ, त्रिपुरा में सरकार में काम करने वाला, 15-15, 20-20 साल से काम करने वाला, सरकार कहे दबाए जाओ तो दबाए जाए, सरकार जो कहे वो करे, उसके बावजूद भी उसको हक के पैसे नहीं दिए जाना, ये अपराध है कि नहीं? ऐसी सरकार को अपराध की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस चुनाव में कमल निशान पर बटन दबाकर अपराधियों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? इनको बिस्तर बोरिया लेकर के उखाड़ करके फेंक दोगे कि नहीं फेंक दोगे? और तब जाकर के चोरों पलटा होगा कि नहीं होगा? तब जाकर के चोरों पलटा होगा कि नहीं होगा? और इसलिए भाइयों बहनों, महारानो, 96 के बाद मुझे बताया गया कि कोई नया वेतन में सुधार ही नहीं हुआ। ये दिल्ली में इनके जो जुड़े लोग हैं ना, वो इन चीजों को बाहर नहीं आने देंगे।